तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक करना। तो आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट का टोटल बैलेंस यानी पूरा पैसा चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप सभी पीएफ मेंबर्स बिना स्किप किए देखना, लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से अपने पीएफ अकाउंट का टोटल बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है सनी सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स Sunny01 में आपका स्वागत है। चैनल पे आप पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही पीएफओ से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं मेरे मोबाइल में जो कि क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूं। फ्रेंड्स, तो आपको भी अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद जो कि आपको सर्च बार में टाइप करना है ईपीएफओ पासबुक, जो कि ईपीएफओ पासबुक लिख के सर्च कर देना। सर्च हो जाने के बाद जो कि आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कि आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक का सबसे पहले में ही ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको जो कि ईपीएफओ मेंबर पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जो कि कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद जो कि ईपीएफ पासबुक का पोर्टल खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए सबसे पहले जो कि आपको अपने पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यूएन नंबर का जो कि पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे में कैप्चर कोड देखने को मिलता है, तो सेम कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट का जो कि यूएन नंबर फिल कर दिया हूं, इसके बाद यूएन नंबर का पासवर्ड भी फिल कर दिया फ्रेंड्स, उसके बाद कैप्चर कोड भी फिल कर दिया हूं। तो डिटेल्स फिल कर देने के बाद जो कि नीचे में साइनिंग का ऑप्शन मिलता है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जो की क्लिक करते ईपीएफ पासबुक पोर्टल पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो की कुछ देर लोडिंग होने के बाद सक्सेसफुली हम ईपीएफ पासबुक पोर्टल पे लॉग इन हो चुके हैं। तो लॉग इन हो जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर देखने को मिलता है, जो कि दोनों को प्लस करने के बाद जो कि ऊपर में आपको टोटल अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। जो कि यहाँ पे आपको जो टोटल अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल रहा है, ये आपके पीएफ अकाउंट का टोटल बैलेंस नहीं होता है। तो अपने पीएफ अकाउंट का टोटल बैलेंस चेक करने के लिए जो कि आपको ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, तो 3 डॉट के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जो कि क्लिक करते बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको तीसरे नंबर पे पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो पासबुक वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जो कि क्लिक करते पासबुक ओवरव्यू का पेज खुल के आ जाता है। तो सबसे ऊपर में जो कि आपको सिलेक्ट द मेंबर आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो आपके पीएफ अकाउंट में अगर जो एक से ज्यादा मेंबर आईडी है तो आपको अलग अलग मेंबर आईडी सिलेक्ट करके अलग अलग मेंबर आईडी का आपको बैलेंस चेक करना है। हमारे पीएफ मेंबर के केस में जो कि एक ही मेंबर आईडी देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, जो कि एक ही मेंबर आईडी है फ्रेंड्स हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में। तो मैंने मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो कि आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके पीएफ अकाउंट में जो कि हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो की सबसे पहला है एम्प्लॉयर शेयर, उसके बाद दूसरा है एम्प्लॉयर शेयर, उसके बाद तीसरा है पेंशन शेयर। तो आपके पीएफ अकाउंट में जो की 3 प्रकार का बैलेंस जमा होता है। तीनों सेक्शन का बैलेंस देखने के लिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन का बैलेंस देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों सेक्शन का बैलेंस आपको प्लस कर देना है। तो तीनों सेक्शन का जो कि बैलेंस प्लस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता है फ्रेंड्स, वो आपके पीएफ अकाउंट का जो कि टोटल बैलेंस होता है। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने पीएफ अकाउंट का टोटल बैलेंस चेक करना है। ये जानकारी आपसे पीएफ मेंबर्स को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक में।